जिसका जाल देश में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मुंबई में ओमिक्रॉन के अब दो नए केस मिलने से महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है और अब तक ओमिक्रॉन 5 राज्यों में पहुंच चुका है। इन राज्यों में कुल 23 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों को निगरानी में रखा गया है। इन सभी के बीच सरकार की हर मुमकिन कोशिश यही है कि ओमिक्रॉन का हर मरीज निगरानी में रहे और उसे आइसोलेट कर उपचार किया जाए। पांच राज्य, 23 मामले, देश में बढ़ता कोरोना का जाल, तीसरी लहर के लिए ओमिक्रॉन जिम्मेदार। 10 दिनों के अंदर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 5 राज्यों में पहुंच चुका है। जिस भी व्यक्ति में इस वायरस की पुष्टि हुई है उसका इलाज जारी है, लेकिन चुनौती वो लोग हैं जो जांच से बच गए हैं या जिन्हें नहीं मालूम कि वो ओमिक्रॉन के साथ जी रहे हैं। इस वक्त ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 10 केस महाराष्ट्र में हैं। कल मुंबई में 2 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। 37 साल का शख्स जोहानिसबर्ग से मुंबई लौटा था, जबकि 36 साल की उसके मित्र अमेरिका से लौटी थी। ओमिक्रॉन के 9 केस राजस्थान में मिले हैं, कर्नाटक में 2, जबकि गुजरात और दिल्ली में 1-1 व्यक्ति को संक्रमण हुआ है। इसके अलावा विदेश से मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली पहुंचे 295 लोगों में से 109 की तलाश की जा रही है। इनमें से कुछ लोग घर पर नहीं हैं, तो कुछ लोगों का फोन स्विच ऑफ है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 71 लोग हाई रिस्क वाले देशों से आए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर इंदौर में प्रशासन सतर्क हो गया है। यहां 1 नवंबर के बाद विदेश से आए यात्रियों को ट्रेस किया जा रहा है। इंदौर में विदेश से लौटे करीब 100 लोगों की मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालात को देखते हुए कल इम्यूनाइजेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI की मीटिंग हुई। इसमें फैसला किया गया कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोविड डी को पहले वयस्कों पर शुरू किए जाने की सिफारिश की जाएगी। IMA ने सरकार से कहा कि हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज उपलब्ध करवाया जाए। उसने कहा कि देश में 50% से अधिक लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगने के बाद गंभीर रूप से ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा कम है। IMA ने सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ रोकने की सलाह दी है। IMA के मुताबिक यात्रा पर रोक नहीं लगानी चाहिए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों का वैक्सीनेशन भी जल्द शुरू होना चाहिए। तमाम परेशानियों और चुनौतियों के बावजूद देश में आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए राज्य सरकारें लोगों को जागरूक कर रही है ताकि सभी को वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जानकारों का मानना है अगले साल फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कमजोर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।